लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 3 तक सॉल्व करा था। आज वही क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करके क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है उस पे ध्यान। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है 4u² + 8u। अब देखो इसके पहले के जो हमने तीन सम करे थे उसमें हमको क्या थे कि हमारे पास ट्राइनोमियल थे, तीन टर्म थे, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे थे। अब यहां पे हमारे पास खाली दो ही टर्म है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले जैसे यहां पे 4u है तो उसको मैं लिख सकता हूं 4 into u into u प्लस 8 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 into 4 into u। बराबर। अब आप लोग ध्यान दो तो यहां पे दोनों में देखो 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में u कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से मैं 4u को कॉमन लूंगा। किसको कॉमन लूंगा? 4। अब जैसे मैंने 4u को कॉमन निकाला तो यहां पे क्या बचा? खाली u बचा प्लस, और यहां पे क्या बचा? 2। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4u है उसको एक ब्रैकेट कंसिडर कर लेंगे। 4u को क्या कंसिडर करेंगे? ब्रैकेट। और दूसरा ब्रैकेट हमारा होगा u प्लस 2, तब दोनों को 0 से कंपेयर। सो देयरफॉर u प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4u इज इक्वल टू 0। अब सिंपली प्लस 2 जाएगा तो माइनस, सो यू विल बी इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारी पहले वैल्यू आ गई। 4 जो यहां पे मल्टीप्लाई में है वो कहां जाएगा? नीचे डिवाइड में। देयरफॉर यू इज इक्वल टू 0/4, देयरफॉर यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी यू की दूसरी वैल्यू आ गई। अब देखो तो हमको जीरोस मिल गए, अब हमको क्या करना है? रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो उसमें पहला क्या आएगा? सम ऑफ द जीरोस। क्या आएगा? सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे हमारे पास यू की जो भी वैल्यू है उसका हम लोग क्या करेंगे? एडिशन। क्या करेंगे हम लोग उसका? एडिशन। पहली वैल्यू क्या है? माइनस 2 प्लस 0, दैट विल बी माइनस 2 प्लस 0। तो माइनस 2 प्लस 0 दैट विल बी माइनस 2। अब बताओ, अब इसमें इसके आगे कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? माइनस 2/1। अपॉन में कुछ भी ना हो तो क्या लिखते हैं हम लोग? 1 लिखते हैं। अब इसके बाद आएगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? हमेशा माइनस बी बाय ए। और बी यानी यहां पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ यू, और ए क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। बराबर। दूसरा रिलेशन वेरीफाई करना है हमको प्रोडक्ट का, तो अब करेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब ये जो दो वैल्यूज है ये दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम ये दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो दैट विल बी अल्फा इनटू बीटा, सो दैट विल बी 0 into -2। तो प्लस है। अब देखो एक सिंपल सा रूल है, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? 0। अब 0 के अकाउंट में कुछ भी है नहीं, कुछ भी ना हो तो हमेशा क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग 0/1। अब इसका फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू c/a। c यानी क्या होता है? हमारा कांस्टेंट टर्म। a यानी क्या होता है? हमारा कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हमारा वेरिएबल u है, इसको हमने क्या लिखा? u स्क्वायर। करेक्ट। नेक्स्ट हम की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? t² - 15। अब यहां पे भी दो टर्म है, अब दो टर्म है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे ये दोनों में से कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहे। चलो यहां पे क्या था कि दोनों में से 4u कॉमन निकाल के हमने दो ब्रैकेट्स बना लिए थे, बट यहां पे तो दोनों में से कुछ कॉमन भी निकल रहा नहीं है। बट यहां पे हम लोग एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, शायद आपको याद होगा, दैट इज a² - b² a² - b² मतलब अगर हमारे पास कभी भी कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर हो और दोनों के बीच में माइनस हो तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। ये आइडेंटिटी आपने 9th में पढ़ी थी, बराबर। तो वो आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब देखो, अब आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे? जैसे देखो यहाँ पे टी स्क्वायर, तो चलो टी तो परफेक्ट स्क्वायर है, टी इंटू टी कर दो तो टी स्क्वायर आता है, बट 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर भी हमको उसका क्या करना है? रूट के फॉर्म में। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? सबसे पहले टी द होल स्क्वायर माइनस रूट 15 द होल स्क्वायर।
क्या लिखेंगे, रूट फिफ्टीन द होल स्क्वायर। अगर आप रूट फिफ्टीन इंटू रूट फिफ्टीन करो तो आपका आपका आंसर क्या आएगा, फिफ्टीन आएगा। तो अब मैंने दोनों को होल स्क्वायर के फॉर्म में लाया, अब बीच में कौन से साइन है, माइनस। तो अपने को पता है कभी भी कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और बीच में माइनस होगा तो हमेशा एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहां पे क्या होगा, टी प्लस रूट फिफ्टीन एंड टी माइनस रूट फिफ्टीन। क्या लिखेंगे हम लोग, टी प्लस रूट फिफ्टीन एंड टी माइनस रूट फिफ्टीन। अब क्या करेंगे हम, दोनों को जीरो से कंपेयर, दो ब्रैकेट्स बन गए हमारे, दोनों को जीरो से कंपेयर। सो दैट विल बी टी प्लस रूट फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो एंड टी माइनस रूट फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो। सिंपली प्लस रूट फिफ्टीन आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस रूट फिफ्टीन आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। सो दैट विल बी, ये आ गई हमारी टी की दो वैल्यू। अब चलो जीरोस मिल गए, अब हमको क्या करना है, रिजल्ट को वेरीफाई, क्या करना है हमको, रिजल्ट को वेरीफाई। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे करेंगे सम ऑफ द जीरोस, क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा अल्फा प्लस। तो यहां पे पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस रूट फिफ्टीन प्लस, दूसरी वैल्यू क्या है, प्लस रूट फिफ्टीन। तो चलो ब्रैकेट ओपन करो, तो माइनस रूट फिफ्टीन एज इट इज और ये प्लस रूट फिफ्टीन, तो प्लस माइनस दोनों कट होगी, क्या बचेगा, जीरो। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा जीरो अपॉन वन, बराबर, अपॉन में कुछ भी नहीं तो क्या लिखा इसको, जीरो बाय वन। अब इसका अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अब बी यानी क्या हो गया यहां पे, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, सॉरी टी नॉट टी स्क्वायर, इट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ टी, और यहां पे क्या होगा, ए में कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, क्या हो गया यहां पे, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। दूसरा आएगा यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा के अंदर, मतलब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहली वैल्यू है माइनस रूट फिफ्टीन, दूसरी वैल्यू है प्लस रूट फिफ्टीन। तो सबसे पहले साइन का ध्यान दो, माइनस और प्लस, तो प्लस इंटू माइनस दैट विल बी ऑलवेज माइनस। रूट फिफ्टीन इंटू रूट फिफ्टीन, तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट फिफ्टीन द स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट का, दैट विल बी माइनस फिफ्टीन। अब फिफ्टीन के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस फिफ्टीन अपॉन वन दैट इज सी बाय ए, यानी क्या होगा हमारा प्रोडक्ट, दैट विल बी सी बाय ए। सी यानी क्या होगा हमारा कॉन्स्टेंट टर्म, और ए यानी क्या होगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे ध्यान। हाँ, तो अपना सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया है, तो सिक्स क्वेश्चन में हमको दिया है 3x square minus x minus 4, क्या दिया तुमने वो 3x square minus x minus 4। तो यहाँ पे ये तीन टर्म्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का तरीका क्या होता है, वो एकदम आप सब देखते हैं। कभी भी आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो हमेशा क्या करने का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, क्या करोगे आप लोग, हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई। सो दैट विल बी 3/4 12, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर क्या है, 12। अब 12 के जो भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हम लोग लिखेंगे, तो 12 के फैक्टर्स क्या है, 1 × 12, 2 × 6 एंड 3 × 4, ये तीन पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब यहां पे आप ध्यान दो तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, मिडिल टर्म में खाली एक्स लिखा है, एक्स के आगे कोई नंबर लिखा नहीं है, मतलब खाली वेरिएबल लिखा हो, आगे कोई नंबर ना लिखा हो तो कोएफिशिएंट क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, 1, क्या कंसीडर करते हैं, 1। मतलब यहां पे मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और लास्ट टर्म की साइन क्या है, माइनस। मतलब हमको यहां पे 12 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसको माइनस करने पे 1 आएगा, हमको क्या करना है, 12 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसको माइनस करने पे आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो बताओ ये तीनों में से किसको माइनस करने पे 1 आएगा, 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 होगा, नहीं बनने की बात, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 होगा, वो भी नहीं चलेगा, हाँ 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। अब बताओ 4 और 3 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो जो भी टर्म, जो भी फैक्टर बड़ा होता है उसको हमेशा मिडिल टर्म की साइन दी जाती है, जो भी फैक्टर बड़ा होगा हमारा उसको क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म की साइन देंगे। तो मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस। अब 3 को कौन सी देनी पड़ेगी, प्लस, तो माइनस 4 प्लस 3 करेंगे तब जाके हमारा ओवरऑल माइनस 1 आएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, माइनस 4 एंड प्लस 3, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, चार टर्म हो गए, ये पहले, ये दूसरे दो।
अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से वन बाय वन कॉमन लेंगे। तो पहला क्या है हमारे पास, 3x² - 4x। तो बताओ ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा। देखो 3 एक प्राइम नंबर है और 4 कॉम्पोजिट नंबर है, बट प्राइम और एक कॉम्पोजिट में से कभी भी कुछ कॉमन आ सकता नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो कोएफिशिएंट में क्या होगा, 1। वेरिएबल में अगर देखें तो यहाँ पे x² और यहाँ पे x, हाँ, तो दोनों में से खाली क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, x। तो बचा क्या हमारे पास, 3x - 4। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3x यहाँ पे प्लस की तरह, तो प्लस की तरह आ जाएगी 3x - 4। अब यहाँ पे इनमें वेरिएबल भी कॉमन नहीं है, तो यानी कुछ भी कॉमन ना आए तो हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1। सो इट विल बी 3x - 4 दूसरा ब्रैकेट। देखो बाहर ये प्लस की साइन थी, इसके अंदर की साइन में कोई चेंज हुआ नहीं है, वो एज इट इज ही रहेगी। अब यहाँ पे हमारा 3x - 4 पहला ब्रैकेट, x+1 हमारा दूसरा ब्रैकेट। अब ये दोनों ब्रैकेट को मैं जीरो से कंपेयर करूंगा, क्योंकि मेरे को जीरो फाइंड करने है ना। सो देयरफॉर 3x - 4 = 0 और x+1 = 0। अब सिंपली -4 आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 जो मल्टीप्लाई में है वो कहां पे आएगा, नीचे डिवाइड में। सो x = 4/3। और दूसरा +1 आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4/3। दूसरी वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1। अब x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है हमको, रिलेशन वेरीफाई करना है किसके बीच में, जीरोस और कोएफिशिएंट। तो सबसे पहला रिलेशन क्या होता है हमको पता है, सम ऑफ द जीरोस। क्या होता है सबसे पहला रिलेशन, सम ऑफ द जीरोस, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों जो एक्स की वैल्यूज है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे प्लस। पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/3 +-1 बराबर। दूसरी वैल्यू है हमारे पास -1। अब सिंपली पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, सो इट विल बी 4/3 +-1। अब देखो यहां पे 1 के अपॉन में कुछ में तो क्या लेंगे, 1। अब 3 और 1 तो क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। तो यहां पे सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, एलसीएम लेके। कैसे सेम होगा, एलसीएम। अब 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 3। अब एक सिंपल सी बात बताओ, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 3 आवे, तो 3 को तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 × 1 = 3 हो गया ना। और 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 3 है, तो 1 को मैं 3 से करूंगा। अब अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं न्यूमरेटर को भी करूंगा और डिनोमिनेटर को भी करूंगा। सेम ऐसे ही यहां पे भी, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करेंगे और डिनोमिनेटर को भी करेंगे। सो दैट विल बी 4, 3 × 1 = 3/3। तो 4 - 3 कितना होगा, 1/3। अब इसके आगे कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला, that is minus b by a, so that is b any negative coefficient of x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है इसके लिए, और a में क्या आएगा, coefficient of x² चलो जैसे हमने sum of the zeros करा वैसे ही दूसरा जो relation है product of the zeros वो अब हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब होगा यहाँ पे product of the zeros, so product of the zeros that means alpha into बीटा। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहली वैल्यू क्या है 4/3, दूसरी वैल्यू क्या है -1। सो नाउ 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो सबसे पहले प्लस इनटू माइनस, माइनस 4/3 × 1, मतलब 1 से किसी को भी आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर वही का वही नंबर आता है। तो यहां पे भी हमारा आंसर कितना होगा, 4/3। अब इसके आगे क्या कोई कैलकुलेशन पॉसिबल है, नहीं। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, c/a, c यानी कॉन्स्टेंट टर्म और a यानी क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x². तो यहां पे ये हमारा 6 नंबर खत्म होता है और क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है।